हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास के थ्रू मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ एसएससी सीपीयू एग्ज़ाम के लिए। हालांकि ये क्वेश्चंस एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट रहेंगे और इंग्लिश सेक्शन के ये बेस्ट सैम्पल क्वेश्चंस हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे रियल एग्ज़ाम में और सेम इसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और आप देख सकते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ये क्वेश्चन है। सेम इसी तरीके से रियल एग्जाम में आपको इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो मिक्स तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का होगा, फिर आगे का क्वेश्चन एरर का होगा, फिर आगे का क्वेश्चन फिलर का होगा। इस तरीके से सभी क्वेश्चंस में अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे और अलग अलग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का एक क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कैसे इसको सही कर सकते हैं। आई लिव्ड हेयर फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस ये टिपिकल एसएससी क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में एग्जामिनर आपका आपका ग्रामेटिकल नॉलेज और आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कि आपका कॉन्सेप्ट कितने सही हैं उनको इसमें चेक किया जाता है, ठीक है। आई लिव्ड हेयर फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। अब देखिए, चूंकि ये परफेक्ट टेंस है तो इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे आई हैव लिव्ड हेयर। आई लिव्ड हेयर नहीं, लिव्ड हेयर तो पास्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस। लेकिन फॉर और सिंस का प्रयोग हम परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में करते हैं, तो इसलिए इसमें हम बोलेंगे आई हैव लिव्ड हेयर फॉर। ये इसमें ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें फ्रॉम नहीं आएगा क्योंकि फ्रॉम का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए करते हैं नॉन परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिए, परफेक्ट टेंस में या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, फॉर का प्रयोग करते हैं हम ड्यूरेशन के लिए। तो इसमें ड्यूरेशन की बात हो रही है और ये परफेक्ट टेंस है। इसको परफेक्ट टेंस में हम लिखेंगे, सेंटेंस को आपको इम्प्रूव करना है। तो आपका सही आंसर होगा इसमें थर्ड, ये इसमें सही आंसर आपका होगा, ठीक है। तो ये टिपिकल एसएससी क्वेश्चन है। सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एसएससी के प्री में और मेंस में आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, ये भी एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। राजा राजा नॉट ओनली पास्ट एंड वन। देखिए, नॉट ओनली और बट ऑल्सो का एक पेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे नॉट ओनली पास्ट बट ऑल्सो वन। इसमें आपको ये देखना होता है कि जो पार्ट ऑफ स्पीच नॉट ओनली के बाद आया है वही पार्ट ऑफ स्पीच बट ऑल्सो के बाद भी आएगा। देखिए, इसमें नॉट ओनली के बाद इसमें पास्ट आया है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसी तरीके से बट ऑल्सो के बाद इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है वन। तो यहाँ पर सेकेंड जो ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। और सेम इसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिलेंगे अपने रियल एग्जाम में। अब देखिए, एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वॉज एक्यूज्ड ऑफ। देखिए, इस वीडियो क्लास में मैं आपको कुछ स्मार्ट ट्रिक्स बताऊंगा जो टॉपर्स और रैंकर्स इस्तेमाल करते हैं हाईएस्ट स्कोर लेने के लिए। देखिए, जब आप स्मार्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि आप कम से कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को कर पाते हैं, यानी एक्यूरेसी भी आपकी आती है और आपका टाइम कंजम्पशन जो होता है वो भी कम होता है। अब देखिए, सपोज आप एग्जाम में बैठे हैं और आपको ये क्वेश्चन आ गया और आपको सिडिसन ट्रीजन लेवल तीनों ही कठिन वर्ड हैं, इन वर्ड्स का मतलब नहीं पता और ये नॉर्मल है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि सभी सभी स्टूडेंट्स को या सभी लोगों को सारे वर्ड्स नहीं पता हो सकते, ये ज़रूरी नहीं है। तो फिर आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे? यदि आपको ये वर्ड्स के ये ऑप्शंस आपको ये नहीं पता, इनके मीनिंग आपको नहीं पता, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वॉज एक्यूज्ड ऑफ। देखिए, एक्यूज्ड ऑफ एक सिंपल सा वर्ड है। एक्यूज्ड ऑफ का मतलब होता है किसी किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाना। तो किसी व्यक्ति के ऊपर हम आरोप क्यों लगाते हैं? किसी व्यक्ति के ऊपर हम आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि, क्योंकि मतलब बिकॉज, यहाँ पर बिकॉज आना चाहिए, क्योंकि उसने कुछ गलत काम किया है। अब देखिए, सेकंड पार्ट में बिकॉज आना चाहिए, तो सेकंड पार्ट में बिकॉज किसमें है? सेकंड वाले में, यानी इसका आंसर होगा सेकंड। भले ही आपको ट्रीजन का मतलब नहीं पता, लेवेल का मतलब नहीं पता, सेडिशन का मतलब नहीं पता, तो भी आपने सही आंसर निकाल दिया स्मार्ट ट्रिक का अप्लाई करके। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को करना होता है। हालांकि सिडिसन और ट्रीजन का मतलब राजद्रोह होता है, किसी ने कोई बहुत बड़ा स्कैम किया है, स्कैंडल किया है। लिबेल का मतलब होता है किसी के ऊपर आरोप प्रकाशित करना, ठीक है। तो यहां पर ट्रीजन आएगा। देखिए, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वॉज अक्यूज ऑफ ट्रीजन, उसके ऊपर ट्रीजन का, राजद्रोह का आरोप लगाया गया बिकॉज
ही पार्टिसिपेटेड इन सर्टेन एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, क्योंकि उसने एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। तो सेकेंड यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। तो ऐसे इन क्वेश्चन को स्मार्ट ट्रिक की मदद से आपको करना सीखना पड़ेगा। अब देखिए, ही स्टडीड दैट वर्ड टू हिज फील्ड ऑफ इंक्वायरी, मतलब वो कुछ इंक्वायरी कर रहा था और उसी से रिलेटेड वो स्टडी करता था। अब देखिए, फिर से मैं आपको एक कॉमन ट्रिक बताऊंगा, एक स्मार्ट ट्रिक बताऊंगा। देखिए, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर और ब्लॉग्स, इन तीनों को हम स्टडी नहीं करते, इन तीनों को हम पढ़ते हैं। मैगजीन्स को हम पढ़ते हैं, स्टडी उसकी हम नहीं करते। मैगजीन पढ़ के आपने कोई एग्जाम दिया है? नहीं दिया। तो मैगजीन को हम पढ़ते हैं, स्टडी नहीं करते। न्यूज़पेपर को हम पढ़ते हैं, स्टडी नहीं करते। ब्लॉग्स को हम पढ़ते हैं, स्टडी नहीं करते। रिसर्च पेपर को डेफिनेटली हम पढ़ते भी हैं और स्टडी भी करते हैं उसकी, ताकि हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाएं। और उसी की इसमें बात हो रही है कि इंक्वायरी की स्टडी कर रहा है वो, ठीक है। तो इसलिए इसमें रिसर्च पेपर यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड होगा, और जर्मेन जो वर्ड है इसका मतलब होता है रेलिवेंट। रेलिवेंट के बाद वैसे हम टू भी लगाते हैं, रिलीवेंट के बाद टू लगाते हैं, तो टू भी दिया है यहाँ पर, तो इसलिए जर्मेन जो वर्ड है ये सही होगा, ठीक है। तो देखिए, जर्मेन का मतलब रिलीवेंट होता है, एक इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है अर्बेन। अर्बेन का मतलब होता है पॉलिश्ड या सोफिस्टिकेटेड, किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। और अर्बन, अर्बन का मतलब होता है अर्बन और रूरल, आपने सुने होंगे। तो अर्बन मतलब शहरी, रूरल मतलब ग्रामीण। तो जर्मन का मतलब होता है रिलेटेड, इसमें एक वर्ड और दिया है एक्सट्रेनियस, इसका मतलब भी होता है अनरिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा आप वो होगा आपका फोर्थ। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको एक्यूरेसी के साथ कम से कम टाइम में मैं करना आपको सिखाऊंगा। और ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है ये बताएं, आपको कितने क्वेश्चन एक वीडियो क्लास में चाहिए ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इस वीडियो क्लास को प्लीज़ प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अब देखिए, कंसेंटियस, कंसेंटियस का मतलब होता है जो मेहनत से और ईमानदारी से काम करता है, उसको हम बोलते हैं कंसेंटियस। तो इसकी सही स्पेलिंग कौन सी है? सही स्पेलिंग इसकी होगी, एक्चुअली इसमें साइंस से रिलेटेड साइंस वाली स्पेलिंग आती है इसमें, कन एस सी आई ई एन आता है इसमें, एस सी आई ई एन इसमें है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कन सेन टी एस, सी ओ एन एस सी आई ई एन टी आई ओ यू एस, इसमें तो सी है, इसमें यहाँ पर सी है नहीं, सी नहीं आता इसमें, इसमें डबल टी है। तो इसमें आपका जो स्पेलिंग है ये फोर्थ वाली स्पेलिंग जो है कंसेंटियस की, ये आपकी सही है। चलिए आगे हम देखते हैं, ये इडियम और फ्रेज का एक क्वेश्चन है। अब देखिए, इसको भी मैं आपको ट्रिक से करना बताऊंगा। द स्कैंडल वॉज स्वैप्ड अंडर द रग बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंट पीपल इन्वॉल्व इन इट। देखिए, स्कैंडल मतलब एक स्कैम होता है, एक घोटाला होता है, गलत काम होता है। नॉर्मली बड़े लोग जो बड़े मिनिस्टर्स हैं, इस तरह के लोग जो इस तरह के स्कैंडल्स में इन्वॉल्व रहते हैं। स्वैप्ड अंडर द रग, सपोज आपको इसका मतलब नहीं पता तो थोड़ा सा आप एक आइडिया निकाल सकते हैं। रग का मतलब होता है जैसे कोई पुराना कपड़ा होता है या बोरी टाइप की होती है, उसके अंदर किसी चीज़ को सरका देना या छुपा देना वहाँ पर। अब देखिए, स्कैंडल को हम क्यों छुपाएंगे, स्कैंडल, इस स्कैंडल को क्यों छुपाया जा रहा है? क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कंसील्ड फ्रॉम अदर्स, दूसरों से छुपाना, ठीक है। हाइड का मतलब भी छुपाना होता है, कंसील का मतलब भी छुपाना होता है, और रिवील, रिवील का मतलब प्रकट करना होता है। तो फोर्थ इसमें आपका सही आंसर होगा। एक ये स्पेलिंग का फिर से क्वेश्चन आया है, मेंटेनेंस। अब देखिए, इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले आप मेन लीजिए, मेन, मेन की स्पेलिंग क्या है? एम ए आई एन, मेन, ठीक है, एम ए आई एन मेन। फिर टे, मैन, मैन, मेन टे नेंस, एम ए आई एन मेन, फिर टी ई, फिर नेंस, एम ए आई एन टी ई एन ए एन सी ई, ये इसकी सही स्पेलिंग है। काफ़ी अच्छी, काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन दिया है। अब देखिए, ये भी एक सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, तरुण अग्रीड। देखिए, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ अग्री होता है तो उसके साथ हम विद लगाते हैं, और किसी पॉइंट पर वो एग्री होता है। तो इसमें सही जो आंसर होगा ये होगा, तरुण अग्रीड विद मी ऑन, ठीक है। देखिए, ये एक स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, वॉक्स वैगन, इसकी कारें आती हैं, वॉक्स वैगन लिटरली ट्रांसलेट्स टू पीपल्स कार, मतलब वॉक्स वैगन का मतलब है, शाब्दिक इसका जो अर्थ है वो है पीपल्स कार, लोगों की कार। बट आयरॉनिकली, लेकिन इसका उल्टा है,
आयरोनिकली मतलब किसी चीज़ का जैसा वो दिख रहा है उसका उल्टा होना, बट आयरोनिकली मोस्ट ऑफ इट्स कार इज़ आउट ऑफ रीच ऑफ द कॉमन पीपल। मतलब वॉक्सवैगन का मतलब होता है कि लोगों की कार, लेकिन इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा होती है कि उसको हम कॉमन पीपल के लिए नहीं मान सकते, इसलिए इसको यहाँ पर आयरोनिकल वर्ड का यूज़ किया गया है। तो इसमें गलत कौन सा पार्ट है? इसमें देखिए गलत आपका ये वाला पार्ट है, मोस्ट ऑफ इट्स कार्स आर, क्योंकि मोस्ट ऑफ का मतलब होता है मेजोरिटी। जैसे 100 चीज़ें हैं तो 100 में से मोस्ट ऑफ का मतलब हुआ 80 या 90 चीज़ें, तो मोस्ट ऑफ का मतलब हमेशा प्लूरल ही होगा, सिंगुलर नहीं हो सकता मोस्ट ऑफ का मतलब। तो मोस्ट ऑफ माई कार्स, यहाँ पर भी कार्स आ रहा है, बहुत सारी कार हैं, सपोज 100 कार हैं और 100 कार में से मोस्ट ऑफ का मतलब होगा 80 या 90, यानी वो प्लूरल होगा, तो यहाँ पर ये आर ही आएगा, इज नहीं आएगा। तो इसमें ये जो है आपका सेकेंड, इसमें आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, द इकोनॉमिक डिप्रेशन इज लूमिंग लार्ज नॉट ओनली ओवर द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बट ऑल्सो ओवर द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। इसमें देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। देखिए ये नॉट ओनली और बट ऑल्सो जो कंजंक्शन से रिलेटेड है उसका ये क्वेश्चन है, और मैंने अभी आपको बताया था कि जो पार्ट ऑफ स्पीच नॉट ओनली के बाद आएगा वही पार्ट ऑफ स्पीच बट ऑल्सो के बाद आएगा। नॉट ओनली के बाद इसमें ओवर आ रहा है, इधर बट ऑल्सो के बाद भी इसमें ओवर आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ का मतलब है कि अमेरिका और अमेरिका के जो सहयोगी कंट्रीज़ हैं वो सारी फर्स्ट वर्ल्ड हैं, थर्ड वर्ल्ड में इंडिया और इस तरह के पाकिस्तान, ये सभी सारी कंट्री आती हैं। द इकोनॉमिक डिप्रेशन इज लूमिंग लार्ज, मतलब कुछ अनहोनी होने वाली है। लूमिंग लार्ज का मतलब है कि कुछ निगेटिव होने वाला है और जिसकी अभी संभावना दिख रही है बहुत बड़े लेवल पर। तो ये सेंटेंस सही है, इसमें कहीं कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, बाय द टाइम द कॉर्न वॉज हार्वेस्टेड द ग्रास सीड कवर्ड। देखिए बाय द टाइम का मतलब होता है कि उस समय तक, बाय द टाइम जब हम दो चीज़ों को बाय द टाइम के साथ जब हम दो एक्सेंस को लगाते हैं, जैसे बाय द टाइम आई रीच्ड देयर द एग्जाम हैड स्टार्टेड। बाय द टाइम का मतलब होता है कि जिस समय तक मैं वहाँ पर पहुँचा उससे पहले कुछ घटित हो चुका था। मतलब नॉर्मली इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बाय द टाइम वाले फ्रेज में तो हम पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं, तो पास्ट सिंपल टेंस तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर पास्ट परफेक्ट आपको लगाना पड़ेगा। द ग्रास सीड हैड, यहाँ पर हैड लगाना पड़ेगा आपको, ग्रास सीड हैड कवर्ड। तो सेकेंड इसमें आपका सही आंसर होगा, ठीक है। फियर ऑफ हाइट्स को हम बोलते हैं एक्रोफोबिया। इसको आप याद कैसे करेंगे, देखिए इसमें दिया है क्रो, क्रो का मतलब क्या होता है, कौआ, और आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं अपने माइंड में कि एक कौआ है और ऊंचाई पर वो बैठा हुआ है। नॉर्मली कौए जो लोग रहते हैं, या कौए लोग नहीं, कौए मतलब जो वर्ड रहते हैं वो ऊंचाई पर ही बैठते हैं, ठीक है। तो क्रो मतलब कौआ, और कौआ कहाँ बैठता है, ऊंचाई पर, तो इसलिए एक्रोफोबिया मतलब ऊंचाई का डर, ऐसे इसको याद रख सकते हैं आप, ठीक है। तो सेकंड इसमें आपका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से इस वीडियो क्लास में मैंने 12 क्वेश्चन लिए हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कितने क्वेश्चन लूँ, क्योंकि इनको लिखने में तैयार करने में बहुत टाइम लगता है। 12 क्वेश्चन लूँ, नेक्स्ट टाइम से 15 लूँ, 20 लूँ, ठीक है। और इस वीडियो क्लास को मैं इंग्लिश में भी अपलोड करूँगा, तो उसको भी आप ज़रूर देखें। और SSC CPU एग्जाम के लिए, प्री के लिए और मेंस के लिए ये क्वेश्चंस हाईली यूजफुल आपके लिए रहेंगे। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।